आज फाइनली सेकेंड ऑर्डर डिलीवर कर दिए हैं और अब देखते हैं वापस टाउन तरफ जाएंगे तो मेरे को ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हम 8-8.5 किलोमीटर दूर आए हैं भाई। तो चलिए फिर से जाना होगा टाउन तरफ, और जाते जाते अगर तीसरा ऑर्डर भी मिल जाता है तो अच्छी बात। आज पता नहीं क्यों यार खाली लंबा लंबा ऑर्डर दे रहा है, मतलब अधिकतर लंबा ऑर्डर दे रहा है जो कि बहुत ही मजा आ रहा है। आज अभी रात का 1:28 हो चुका है, देख सकते हैं 1:30 बजने वाला है और मेरा 17 नंबर का ऑर्डर लग गया द बर्ची रेस्टोरेंट से, जो कि हमको ले जाना है 6.5 किलोमीटर और 70 रुपये प्लस 24 रुपया दे रहा है, और अभी तक ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है और 11 मिनट दिखा रहा है। 3 ऑर्डर में मेरा 350 हो गया है ना, तो ऐसे कुछ सीन है नाइट में काम करने से, थोड़ा अर्निंग दिखता है, पे आउट बढ़िया बनता है। Hey guys, good evening and welcome to my new blog. तो guys, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे, हम भी एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो guys, फाइनली हम आ चुके हैं जोमेटो में काम करने के लिए, और आज हम काम करने वाले हैं अभी शाम का 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, यानी कि टोटल 7 गिग बुक किए हैं, 9 घंटा काम करेंगे है ना, आधा दिन में करेंगे अभी शाम को और आधा रात में करेंगे। तो चलिए फिलहाल तो हम अपना जोन में आ गए हैं और लॉग इन भी हो गए हैं, तो अभी उधर टाउन साइड जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपना गाड़ी का किलोमीटर को जीरो कर लेते हैं और थोड़ा सा आसपास का व्यू आप सभी को दिखाते हैं। तो गाइस इधर देख सकते हैं हमारे आदित्यपुर का पुल में, दोनों ही रोड में काफी भीड़ भड़का है, और हमारे सूर्यदेव देख सकते हैं भाई ऊपर में है और कितना कड़क धूप दे दिया है, और इधर ये नदी की ओर एक बार नजर डाल सकते हैं गाइस। इधर पता नहीं यार दिल मानता ही नहीं है, इधर दिखाने का ही मन करता है ना, तो देख सकते हैं काफी सुंदर लग रहा है, और शायद अभी स्कूल छुट्टी हो गया है तो बच्चे लोग हाय कर रही है उधर है ना, देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अपना गाड़ी का किलोमीटर को जीरो कर लेते हैं, हम जीरो कभी कभी नहीं करते हैं भाई, भूल जाते हैं, अभी धूप दिया है इसीलिए नहीं दिख रहा, तो दिख रहा होगा गाइस मेरा जीरो नहीं हुआ है, तो चलिए फटाफट जीरो कर देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस जीरो हो गया है, और तेल अभी फिलहाल हम 150 का तेल मतलब भरवाए हैं। तो गाइस फाइनली अपना गाड़ी का किलोमीटर को जीरो कर लिए हैं, अब जाते हैं उधर टाउन साइड रेस्टोरेंट के आसपास रहेंगे और देखते हैं कौन सा रेस्टोरेंट का मेरा पहला ऑर्डर गिरता है और कितना टाइम तक में गिरता है। और गाइस हम बीच में कोई ब्रेक नहीं लेंगे, कोई छुट्टी उट्टी नहीं करेंगे, कंटिन्यू अभी 9 घंटा तक हमको काम करना है ना, और लास्ट में आप सभी को बताएंगे आज मेरा गाड़ी कितना रनिंग होगा, कितना ऑर्डर कर पाते हैं और मेरा अर्निंग कितना हो पाता है। तो चलेगा जब सभी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। गाइस 15 मिनट बाद मेरा फर्स्ट ऑर्डर गिर गया ये जैक्सन रेस्टोरेंट से, जो कि हमको ले जाना है 4 किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर 100 मीटर, और हमको 40 रुपया दे रहा है। तो चलिए मेरा ऑर्डर रेडी हो चुका है, फटाफट जाते हैं और फटाफट उठाते हैं भाई अपना फर्स्ट ऑर्डर को। गाइस अपना फर्स्ट ऑर्डर मिल चुका है, अभी इसको हमको पहुंचाना है हर हर गुटू कृष्णापुर, पता नहीं भाई कैसे एड्रेस है, कहाँ है वो भी हमको नहीं पता है, तो चलिए फटाफट ऑर्डर को डिलीवर करके आते हैं। फाइनली कस्टमर का लोकेशन में पहुंच गए हैं, और देख सकते हैं चारों ओर खाली गली ही गली है भाई, हम इधर से आए थे है ना, और इधर भी देख सकते हैं पूरा गली है, मतलब ऐसे ही रास्ता है, और इधर भी देख सकते हैं गली है, और लोकेशन इधर में दिखा रहा है आसपास में, आप देखते हैं भाई किधर से कस्टमर आती है, कॉल तो कर दिए हैं आ रहे हैं बोली, और हम बोल दिए गली में है बोल के, तो चलिए देखते हैं आखिर कस्टमर किधर से आती है। इधर भी रास्ता बोल के गाइस अपना फर्स्ट ऑर्डर देकर हम टाउन तरफ जा ही रहे थे, तो मेरा रास्ता में ही सेकंड ऑर्डर गिर गया भाई, इधर देख सकते हैं रास्ता है ना कुछ इस प्रकार से है, और ये ऑर्डर हमको ले जाना है 8.5 किलोमीटर 70 रुपया दे रहा है, रेलिस रेस्टोरेंट से गिरा हुआ है, केक वाला ऑर्डर है। तो चलिए फटाफट रेस्टोरेंट पहुंच लेते हैं और अपना सेकंड ऑर्डर को पिक करते हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं इधर देख सकते हैं रेलिस रेस्टोरेंट, तो चलिए मेरा ऑर्डर रेडी हो चुका है, फटाफट जाते हैं और पिक करते हैं। चलिए गाइस मेरा सेकंड ऑर्डर मिल चुका है, अभी इसको हमको ले जाना है मनगो। गाइस कस्टमर का लोकेशन में पहुंच गए हैं, और इधर देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है भाई, इधर भी देख सकते हैं पूरा इधर पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब है, और ये क्या ही बोले गाइस, ये आसियाना अनंतरा है ये कॉलोनी का नाम। तो चलिए अभी फटाफट ये छोटा सा केक वाला ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं। गाइस फाइनली सेकंड ऑर्डर डिलीवर कर दिए हैं, और अब देखते हैं वापस टाउन तरफ जाएंगे तो मेरे को ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हम 8-8.5 किलोमीटर दूर आए हैं भाई, तो चलिए फिर से जाना होगा टाउन तरफ, और जाते जाते अगर
तीसरा ऑर्डर भी मिल जाता है तो अच्छी बात। गाइस टाउन में आते आते मेरा चौथा नंबर का ऑर्डर गिर गया ये गौसिया होटल से। इधर पोस्टर देख सकते हैं, होटल तो अंदर में है और ये ऑर्डर हमको ले जाना 6.5 किलोमीटर 57 रुपया दे रहा है ना। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं, चौथा नंबर का ऑर्डर ले लिए हैं। तो चलिए अभी इसको हमको पहुंचाना है आवास रेसिडेंसी कदमा। गाइस अभी मेरा पांचवा नंबर का ऑर्डर लग गया ये मिर्ची रेस्टोरेंट से, जो कि हमको ले जाना है 5.5 किलोमीटर और 46 रुपया दे रहा है। और अभी तक ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है और 5 मिनट दिखा रहा है, तो देखते हैं गाइज कब तक मेरा ऑर्डर रेडी करता है। मेरा पांचवा नंबर का ऑर्डर मिल चुका है, तो चलिए अभी इसको हमको पहुंचाना है कदमा। गाइज अभी मेरा सातवां नंबर का ऑर्डर लग गया ये नोबिलिटी रेस्टोरेंट से, जो कि हमको ले जाना है 9.5 किलोमीटर और 72 रुपया दे रहा है। तो चलिए मेरा ऑर्डर रेडी हो चुका है, फटाफट लेके आते हैं। तो गाइज सातवां नंबर का ऑर्डर मिल चुका है, तो चलिए अभी इसको फटाफट पहुंचा देते हैं गामहरिया। बेल बजाने वाला था। ठीक, थैंक यू। गाइस अभी मेरा आठवां नंबर का ऑर्डर गिर गया ये ब्राउन टाउन रेस्टोरेंट से, जो कि हमको भेज रहा है 9.5 किलोमीटर और 82 रुपया दे रहा है ना। लेकिन अभी तक ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है और 2 मिनट दिखा रहा है। और गाइस आज पता नहीं क्यों यार खाली लंबा ऑर्डर दे रहा है, मतलब अधिकतर लंबा ऑर्डर दे रहा है, जो कि बहुत ही मजा आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कब तक मेरा ऑर्डर रेडी करता है, इंतजार कर लेते हैं। तो गाइस मिल चुका है मेरा आठवां नंबर का ऑर्डर, तो चलिए अभी इसको हमको पहुंचाना होगा मनगो। गाइस अभी रात का 12:19 हो चुका है, इधर देख सकते हैं ना। और मेरा 15 नंबर का ऑर्डर गिर गया ये केप कोपीडे से, जो कि हमको ले जाना है 4.5 किलोमीटर और 57 रुपया प्लस 20 रुपया दे रहा है। अभी ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है और 8 मिनट दिखा रहा है भाई, तो देखते हैं कब तक मेरा ऑर्डर रेडी करता है। फाइनली अपना 15 नंबर का ऑर्डर मिल गया है, इधर देख सकते हैं झोला में। और अभी इसको हमको पहुंचाना है संगम विहार सोनारी। तुमको कहाँ ले जाना है? कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप सब बढ़िया होंगे और बताओ रहेंगे आप सब। कहाँ ले जाना है भाई, तुम्हारा ऑर्डर है वो चीज बोल। भाई कितना दे रहा है? 50 रुपया। 50 हमको दे रहा है 57 प्लस 20 रुपये। हाँ तो तुम्हारा सामने भी तो है। हाँ तो चलिए गाइस इसको फटाफट पहुंचा के आते हैं। गाइस फाइनली हम रूम आ गए हैं, तो चलिए अभी फटाफट आप सभी को दिखाते हैं आज मेरा गाड़ी कितना रनिंग हो गया है और अभी टाइम कितना हो रहा है, उसके बाद आज का अर्निंग बताएंगे। तो गाइज देख सकते हैं आज मेरा गाड़ी रनिंग हो गया 162 किलोमीटर और अभी टाइम हो चुका है 2:35, 2:30 बज चुका है भाई। और आज मेरा इससे तो टोटल 14 ऑर्डर हुआ है 10 घंटा में और मेरा अर्निंग हुआ है 861 रुपया, उसमें 50 रुपया इंसेंटिव मिला था और 20 रुपया कस्टमर टिप मिला था, तो टोटल हो गया 861 रुपया 12 बजे से पहले। और 12 बजे के बाद भी हम काम किए थे 2 घंटा, मतलब 12 से लेकर 2 बजे का गिग बुक किए थे ना, क्योंकि 12 बजे के बाद तो संडे पड़ रहा है और संडे का दिन भाई अर्निंग बढ़िया होता है, मतलब पे आउट बढ़िया बनता है, उसी वजह से हम 12 बजे के बाद भी हम काम किए थे, जो कि मेरा टोटल 3 ऑर्डर हो गया था 2 घंटा में और मेरा अर्निंग हो गया था 349 रुपया। तो मेरा टोटल अर्निंग हो गया इधर 861 और 349, 1210 रुपया हो गया। और मेरा टोटल ऑर्डर हो गया इधर 14 फिर इधर 3, 17 ऑर्डर में मेरा 1210 रुपया अर्निंग हुआ है और मेरा आज गाड़ी रनिंग हो गया 162 किलोमीटर। तो हम अगर 60 का एवरेज भी निकाल रहे हैं तो 60 60 120, फिर इधर 40 किलोमीटर, तो मोटा मोटी हम 300 का ही तेल पकड़ लेते हैं भैया ना, 300 रुपये का तेल चला गया तो हम 300 माइनस कर दे रहे हैं, तो फिर भी मेरा 910 रुपये बच रहे हैं भाई आज का मेरा अर्निंग 12 घंटा में। और आप सभी देख ही लिए हैं, देख ही सकते हैं 12 बजे के बाद का अर्निंग भाई साहब क्या ही बताए, 3 ऑर्डर में मेरा 350 हो गया है ना। तो ऐसे कुछ सीन है नाइट में काम करने से, थोड़ा अर्निंग दिखता है, पे आउट बढ़िया बनता है। तो आज का अर्निंग कुछ ऐसे था गाइज, कमेंट करके आप सभी बताइएगा कैसे रहा। तो चलिए काफी रात हो चुका है, आज का ये ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी और पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छे से ब्लॉग में, आज तक लिए यहीं तक, बाय बाय।